इसमें भी हमारा जो डिपार्टमेंट है वो न्यूरो सर्जरी का है और डॉक्टर साहब का रूमेटोलॉजी का है, जो गठिया बाग जॉइंट्स वगैरह देखते हैं, और डॉक्टर आशीष एनेस्थीसिया और पेन स्पेशलिस्ट हैं। ये जो हमारी क्लिनिक लॉन्च किया है, ये एक यूनिक इनिशिएटिव है। आज से पहले इस टाइप का क्लिनिक हम लोगों ने कहीं देखा नहीं है। जब मैं अमेरिका में होता था, वहाँ पे हम लोग इससे क्लिनिक को रन करते थे। इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हर डॉक्टर अपने क्लिनिक पे अपने पेशेंट देखता ही है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो जटिल होती हैं, कुछ सीरियस केसेस ऐसे होते हैं जो दो तीन डिपार्टमेंट देखते हैं, तो उसमें काफ़ी बार पेशेंट को सही पता नहीं चलता कि किस डॉक्टर को दिखाए, और जो डॉक्टर देख रहा होता है वही डॉक्टर अपनी दवाइयाँ लिखता रहता है। या तो पेशेंट का खर्चा कम करने के चक्कर में हम जो अकॉर्ड डॉक्टर की राय नहीं ले पाते, और या फिर हो सकता है कि पेशेंट ही इंसिस्ट करे कि नहीं डॉक्टर साहब आपसे ही दवाई लेंगे। तो हम लोगों ने उस सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की है कि पेशेंट जो है वो अगर उसको कोई पर्टिकुलर परेशानी है जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो हम दूसरे डॉक्टर की राय भी उसी पेशेंट को उसी फीस में हो सके तो उसी दिन तुरंत दिलवा सकें, और एज अ टीम हम लोग डिस्कस करें उसकी परेशानी को, और हम डिसाइड करें कि कौन सा डॉक्टर इस पेशेंट के लिए बेस्ट रहेगा और कौन सी ट्रीटमेंट को हम शुरू करके पेशेंट को जल्द से जल्द ठीक कर सकें। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट आ रहा है और वो मुझे लगता है कि सिर्फ दर्द अगर इसका ठीक कर दिया जाए तो उससे काफ़ी इसकी ज़िंदगी इम्प्रूव हो सकती है, तो उस कंडीशन में फिर मेरा रोल आता है। कुछ एक ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो कि हम अगर वो करें तो पेशेंट का इलाज बिना सर्जरी के भी हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। प्लस इसमें मेरा रोल ये भी है कि अगर मान लीजिए कि किसी पेशेंट का सर्जरी प्लान है, लेकिन ऐसे अगर हम जैसे एक तो MRI होता है जो कि हम लोग देखते हैं, तो उससे हमें शायद लग सकता है कि पेशेंट को बहुत लंबी सर्जरी की आवश्यकता है, लेकिन इस कंडीशन में फिर मेरा रोल आ जाता है कि अगर मैं उसको पिन पॉइंट कर पाता हूँ, अगर मैं उसको देख पाता हूँ कि कौन कौन सी एरियाज़ इन्वॉल्व हैं, तो एक एक्सटेंसिव सर्जरी से बचा जा सकता है। तो उससे क्या होगा कि जो एक्सटेंसिव सर्जरी है वही एक छोटा सर्जरी होएगा, और उसके वजह से पेशेंट का आउटकम जो है वो बहुत अच्छी होगी। तो डिपार्टमेंट से आजकल जैसे डॉक्टर राजन ने कहा, बेसिकली किसी भी बीमारी का किसी भी फील्ड में जो कॉन्सेप्ट है वो है कि बीमारी को आप जल्दी पकड़िए और जल्दी इलाज शुरू करिए ताकि समय ना व्यर्थ हो। उसमें बैक एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और ये किसी भी उम्र में हो सकती है, बच्चों से लेके बुढ़ापे तक, और आमतौर पे हम बैकएक को एक आम बीमारी या कॉमन प्रॉब्लम सोच के इग्नोर कर देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। कई बार ये गंभीर बीमारियों का लक्षण भी हो सकता है, और इसका जल्दी विश्लेषण करना, जल्दी नतीजे पे पहुंचना कि क्यों हो रहा है और उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट बेसिकली जो आर्थराइटिस है, गठिया बाग जिसको कहते हैं, उससे संबंधित बीमारियों के डायग्नोसिस और मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, और रीढ़ की हड्डी में काफ़ी सारे जोड़ होते हैं, और इन जोड़ों में सूजन की वजह से बैकएक हो सकता है, खासकर यंग पॉपुलेशन में। ये रीढ़ की हड्डी के किसी भी भाग को, निचला हिस्सा या ऊपर गर्दन वाला हिस्सा जो है, ये प्रभावित होता है, और इसका मेडिकल मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से पॉसिबल है प्रोवाइडेड कि इस बीमारी को हम जल्दी डायग्नोस करके ट्रीटमेंट शुरू कर पाए। डिस्क की प्रॉब्लम जो है बड़ी आम बीमारी, आम कॉमन प्रॉब्लम होती है, और आमतौर पर हम ये मान के चलते हैं कि कमर का दर्द डिस्क की वजह से हो रहा है, और अगर आप MRI कराएं बिना सोचे समझे हुए तो आप देखेंगे कि डिस्क की प्रॉब्लम काफ़ी सारे मेजॉरिटी लोगों में मिल जाती है, और एक वजह मिल जाती है हमें बताने के लिए कि हाँ डिस्क प्रॉब्लम की वजह से बैकिंग हो रहा है, लेकिन उसके शेडो में जो दूसरी बीमारियाँ हैं गठिया बाग की खासकर, वो मिस हो जाती हैं। तो जब तक इसका ठीक से फोकस्ड इन्वेस्टिगेशन ना हो, ये बीमारी आमतौर पर मिस हो जाती है, और इसी वजह से ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आया जिसमें इंटीग्रेटेड स्पाइन क्लिनिक हमने शुरू किया है, और इसमें हर स्पेशलिस्ट अपने अपने तौर से मरीज को देखेंगे और कोशिश यही करेंगे कि कुछ ही दिनों में हम एक नतीजे में पहुँच पाएँ कि डायग्नोसिस क्या है और ट्रीटमेंट को प्रॉपरली शुरू कर पाएँ। जी सर, आपने करवट लेने में प्रॉब्लम कर रहा है तो जल्दी दिखाएं, ये एक अलार्मिंग साइन है। अगर कमर के दर्द के साथ आपको बुखार आ रहा है या वजन घट रहा है, भूख की समस्या हो रही है, तो जल्दी दिखाएं। दर्द बहुत ही सीवियर है, हर दिन पेन किलर खाना पड़ रहा है, तो जल्दी दिखाएं सर। उसके अलावा अगर पैरों में कमजोरी आनी शुरू हो गई है, पैरों में सुन्नपन आना शुरू हो गया,
और लटकना शुरू हो गया पैर या हाथ के अंदर कमजोरी आनी शुरू हो गई, ये भी एक बड़ा वार्निंग साइन है। इसमें आप लोग अर्ली टू अर्ली दिखाना चाहिए और देसी उसके तो बिल्कुल नहीं अपनाने चाहिए। उसके अलावा पेशाब लैंडिंग का कमज़ोर हो जाना, उसके कंट्रोल को वीक हो जाना वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे सिचुएशन के अंदर भी आपको डिले नहीं करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि लोग अपने दर्द को नज़रअंदाज करते रहते हैं, बहुत सालों तक नज़रअंदाज करते रहते हैं, तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप मान लीजिए आपका जो दर्द है बहुत सालों से है और एक लेवल पे रह रहा है, लेकिन अचानक से देखा कि आपकी दर्द जो है उसका इंटेंसिटी बढ़ गया है, वो अचानक से बढ़ गई है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन हो सकता है। तो इसको आप ये ना समझें कि पुराने वाला ही दर्द बढ़ गया है, ये हो सकता है उसमें कुछ नया परिवर्तन या नया बदलाव आया उस स्पाइन में, इसके वजह से आपका दर्द बढ़ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको तभी के तभी एड्रेस। तो अगर संक्षेप में देखें तो जो कमर का दर्द अक्सर होता है उसको हम जो रिस्की पेन है उससे अलग कैसे करें? एक तो उसकी इंटेंसिटी मतलब कि उसकी जो तीव्रता है, और दूसरा उसका ड्यूरेशन। अगर हफ्ते भर से ज़्यादा दर्द बन रहा है इसका मतलब ये मस्कुलर पेन नहीं है, उसके बियॉन्ड कहीं कुछ ज़्यादा परेशानी होती है, या वो कमर का दर्द ना हो गया वो कमर से पैर में भी आ रहा है, या गर्दन का दर्द ना हो गया हाथ में भी आ रहा है, पैरों के अंदर कमजोरी आ गई, बैलेंस आ रहा है, इम्बैलेंस आ रहा है, बुखार हो रहा है, रात को नींद नहीं आ रही, ये सब चीज़ें जो हैं ये संक्षेप में वार्निंग साइंस है जिसमें आपको दर्द को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक चीज़ मैंने और देखा है ये कोविड के टाइम में पिछले 1.5 सालों से खासकर वो लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या IT सेक्टर के लोग हैं, इनका मैक्सिमम टाइम चेयर पर बैठे बैठे बीत रहा है, तो इनके मूवमेंट बहुत कम है, इनके स्पाइन में जो हल्का फुल्का दर्द जो कि नॉर्मली चलने फिरने से एक्टिविटी से बढ़ना चाहिए वो हम उसको मौका ही नहीं दे रहे हैं कि हम एनालाइज कर पाएं कि दर्द बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और बाय द टाइम जैसे 1.5 साल में और बहुत लेट हो चुका होता है, तो वर्क फ्रॉम होम वाले जो लोग हैं उनके लिए अपने बैक पेन को इग्नोर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप उसको मौका ही नहीं दे रहे जज कर पाने का कि दर्द एक्चुअली एक्टिविटी के साथ कितना इंक्रीज़ कर रहा है डिक्रीज़ कर रहा है। हम लोगों ने ये देखा है कि कोविड के दोनों लॉकडाउन के बाद पेशेंट्स की तादाद कमर दर्द को लेकर काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी लोग आने शुरू हुए हैं। उसका हमने जो देखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण वो ये है कि क्योंकि थोड़ी बहुत एक्टिविटी पहले हो रही थी, वॉकिंग करते थे, मसल स्ट्रॉन्ग रहते थे, वो बिल्कुल बंद हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी ये ट्राई रहेगी कि जो लोगों का दर्द बना हुआ है, माइंड टू मॉडरेट है, बहुत सीवियर नहीं है, वो अपनी एक्सरसाइज रूटीन को मजबूत डिस्टर्ब ना करें, उसको किसी ना किसी तरीके चाहे छत पे चाहे पार्किंग के अंदर करें, अगर घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं होता था, बिकॉज अगर हम बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो हमारी काफ़ी बार जो डिस्क का पेन है और जॉइंट्स का पेन है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में रह सकता है। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।